जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बड़ा एक हर्ष उल्लास का विषय है। त्योहारों का पर्व, त्योहारों का महत्व चल रहा है। इसमें हम लगातार आपको नियमित ये पंच दिवसीय त्योहारों के साथ साथ आज से हम लगातार आपको 6 वीडियो जारी करेंगे, जिसमें 5 पर्व धन त्रयोदशी, छोटी दिवाली, दीपावली एवं अन्नकूट और भाई दूज, ये तो सार्वभौम हमेशा के लिए। इस बार छठा क्या है कि ग्रहण का भी एक संयोग आ गया, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में जिक्र करूंगा। आज मैं जिक्र करना चाहता हूं धन त्रयोदशी के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि धन त्रयोदशी का पर्व हम कम मनाएं। कुछ पत्र पत्रिकाओं में भ्रांति होती है, तो उस भ्रांति का मैं गणित के आधार पर निरूपण दे रहा हूँ। कुछ व्रत पर्व त्योहारों में उदयात का प्रमाण लिया जाता है। उदयात यानी जिसमें सूर्य उदय होता हो, उस तिथि को कहते हैं उदयात। और कुछ तिथि होती चंद्रव्यापनी, यानी करवा चौथ एक उदाहरण दे रहा हूँ, और आपकी दिवाली, यह हमेशा एक दिन पहले। करवा चौथ ज़्यादातर त्रयोदशी तीज में मनती है, और हमारा जो ये दिवाली है वो 90% चतुर्दशी में यानी चौदसवें मनती है। इसी संदर्भ में 22 तारीख शनिवार के दिन मेरे गणित और गणना के अनुसार पर आपको धन त्रयोदशी मनानी चाहिए। उसमें 2 प्रमाण है मेरे पास, क्योंकि हमारी जो द्वादशी है वो शाम को 6:02 तक है। उसके बाद चंद्र व्याप्त यानी चंद्र उदय से पूर्व, सूर्य अस्त से पूर्व आरंभ हो जाएगा हमारा ये त्रयोदशी। तो धन त्रयोदशी शनिवार को मनाए। पंचांगों ने 23 तारीख को लिखा है, उसमें 6:03 तक केवल आपकी त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी आ जाती है। तो इन तिथियों के प्रवेश काल, समाप्ति काल को लेकर के भ्रांतियाँ आम लोगों में उत्पन्न होती हैं। तो मैं पहले स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि 22 तारीख को प्रमाणिक चंद्रव्यापनी है, और 23 तारीख रविवार के दिन ये प्रमाणिक आपकी उदयात तिथि पर है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, पुनः तीसरी बार के चंद्रव्यापनी 22 तारीख को धन त्रयोदशी का पर्व मनाएं। अब ये पर्व कैसे मनाएं, क्या इसके पीछे महत्व है और क्या इसका मुहूर्त है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो आप हमारे इसमें नए हैं वीडियो पर, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग इस भ्रांतियों से दूर हों और नए प्रकार के अपने जीवन में आस्था उत्पन्न करें। एक बड़ी विडंबना है, भारतीय अपने त्योहारों में, सनातन त्योहारों में अधिकतर 2 हो जाने से लोगों में नाना प्रकार की भ्रांति और अश्रद्धा उत्पन्न हो रही है। उसी अश्रद्धा और श्रद्धा में, उस अश्रद्धा को श्रद्धा में परिवर्तन करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। तो मैंने आपको ये स्पष्टीकरण तो कर ही दिया कि 22 और 23 तारीख में दोनों दिन मनाएंगे, इसमें 22 ज़्यादा प्रमाणिक है। अब हम कब मनाएं, सूर्य उदय के आसपास हमें अपने घर पर दीप जलाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे इतिहास है कि भगवान श्री राम उस दिन अपने समाचार प्राप्त किया था। तो जैसे भरत जी को समाचार प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपने समाचार प्राप्त होते पूरे अयोध्या नगरी को सजाना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधा, हनुमान जी ने जब आकर के उनको कहा कि हे प्रभु, समस्त रिपु यानी शत्रुओं का दमन करके, और छोटे भाई अनुज और सीता जी के साथ में भगवान श्री राम आ रहे हैं, ये सूचना पाते ही वो पुलकित हो गए, और पुलकित होकर उनकी खुशियाँ मनाई गई। पहला कारण जो हमारा पौराणिक माना जाता है। दूसरा कारण और दूसरा इतिहास ये भी है हमारा कि आज ही के दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन 2022 का मैंने स्पष्टीकरण कर दिया, धन त्रयोदशी के दिन ये संपूर्ण विश्व के मालिक कुबेर जी को संपदा प्रदान की गई थी कि दुनिया को बंटवारा करने के लिए हमारे चीफ ट्रेजरर ऑफ द वर्ल्ड उस दिन घोषित किए गए। इसलिए कुबेर तिब्बत के रूप में धन त्रयोदशी मनाई जाती। तीसरा कारण, जो हमारे आरोग्य देने वाले देवता हैं जिन्हें धन्वंतरी कहते हैं, उन्होंने अमृत का कलश लेकर के इसी दिन इस हमारी धरामंडल पर समुद्र में से उत्पन्न हुए। तो
तो तीन कारण हैं हमारे धन त्रयोदशी को मनाने के लिए। अब हम क्या करें, अच्छे मुहूर्त में स्वर्ण खरीदें, लेकिन चांदी खरीदना परम आवश्यक है, अच्छे बर्तन खरीदें, वाहन खरीदें, भोजन की सामग्री भी खरीदें और यथासंभव अपने घर में मेवा एवं मंगल कार्य जरूर खरीद के लाएं, उससे हमारे घर में अपार भंडार भरता है। संध्या के समय कुबेर जी की पूजा करें, धन्वंतरी जी की पूजा करें और दिन में भी पूजा करें तो आपकी इच्छा पर आधारित है, किंतु संध्या के समय दीपक जला के जैसे दिवाली होती है ऐसी छोटी सी चौकी स्थापित करके उसमें कुबेर भगवान स्थापित करें, धन्वंतरी भगवान स्थापित करें, इनकी मूर्ति स्पष्ट अगर उपलब्ध नहीं है तो चावल की ढेरियाँ बना दें, एक लक्ष्मी के रूप में, एक कुबेर जी के रूप में, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा अपन दो दिन पहले उनके पूर्व आगमन पर बेला पर, और एक हमारे धन्वंतरी भगवान की, एक कुबेर भगवान की, एक रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी महाराज की, ये चार ढेरी लगा करके उन पर पूजा करें, एक सुपारी रख दें और प्रणाम करें, दीपक जलाएं और जो अपने इष्टदेव हैं, कुलदेव हैं, उनकी वंदना करें, उनका ध्यान करें और ये भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहे, दीर्घायु प्राप्त हो और भौतिक सुख साधन आप मुझे जीवन पर्यंत प्रदान करते रहें, परिवार में मेरा समन्वय बना रहे, आत्मीयता बनी रहे, मेरे राष्ट्र का उद्धार हो एवं समाज का उद्धार हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी नाना प्रकार की प्रार्थना करके और फिर अपने घर में मिठाइयों का भोजन करें, जो स्वादिष्ट पदार्थों का भोजन करें, इन त्योहारों में मीठे चावल और आपके पीले चावल जिसे पुलाव कहते हैं आपकी भाषा में, दोनों चावलों का महत्व सर्वाधिक है। किंतु धन त्रयोदशी में चूँकि स्वय थे उस दिन सफ़ेद वस्त्र पहने, महिलाएं हैं वो सफ़ेद वेश की साड़ी या सफ़ेद वेश का कोई वस्त्र आदि पहने, अंगवस्त्र आदि, और उस दिन श्वेत वस्तुओं का भोजन करें जिसमें खीर है, अन्य बहुत सी चीज़ जो सफ़ेद रंग की होती है जिसमें बिना हल्दी के कड़ी आदि का भी प्रयोग श्वेत रूप में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, तो उससे हमारे कुबेर जी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से पुरुष वर्ग भी अपने श्वेत वस्त्र धारण करें, क्योंकि कुबेर जी का जो वर्णन है कि झसा ननायह, उनके लिए जो कपड़े हैं वो श्वेत वस्त्र के लिए हमारे कुबेर जी का वर्णन किया गया है, तो उनके श्वेत वस्त्रों की पूजा करें, लक्ष्मी के रूप में पूजा करें और एक मन में खुशी का बड़ा ही इजहार करें। इससे इजहार करने से हमारे जीवन में बहुत खुशी होती है और एक दूसरे को खुशियाँ बाँटें, यही हमारे त्योहारों का एक उत्सव है जिसमें एक दूसरे से मिलने का, मिलाने का और खुशी मनाने का एक परम पावन त्यौहार है, इसको मनाएं। आज की वीडियो में इतना ही, जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।